रामपुर शहबाद कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की मन की बात कार्यक्रम में व्यापारियों से शामिल होने की अपील की गई। सभा को सफल बनाने के लिए व्यापारियों के नेता व भाजपा नेता भी शामिल हुए। नगर शहबाद के मंडी समिति परिसर में व्यापारियों की समस्याओं को लेकर हुई मीटिंग की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष कपिल आर्य ने की, जिसमें कपिल आर्य ने बताया कि व्यापारियों की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर व्यापार मंडल हमेशा से लड़ाई लड़ता रहा है और आज भी व्यापारियों की समस्याओं के लिए खड़ा हुआ है। व्यापारियों को संबोधित करते हुए कपिल आर्य ने कहा कि यदि किसी भी व्यापारी के साथ किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चन आती है तो उनके पास ऐसे वकील हैं जो उनका निःशुल्क समाधान कराएंगे, जिसकी कोई भी फीस नहीं लेंगे। पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर ने व्यापारियों से कहा कि आप सभी लोगों को एक पत्रक दिया गया है, उस पत्रक पर अपनी समस्याएं लिखकर कल होने वाले नकवी जी के कार्यक्रम में लगे बॉक्स में डाल दें। ये समस्या आपकी सीधे प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचेगी, जिससे आपकी समस्या का समाधान स्वयं प्रधानमंत्री जी अपने माध्यम से कराएंगे। सुरेश बाबू गुप्ता ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन व्यापारियों की किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वे अधिक से अधिक संख्या में कल रामपुर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के सामने अपनी अपनी समस्याओं को रखें। आज के कार्यक्रम में कपिल आर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष जागेश्वर दयाल दीक्षित, प्रदेश उपाध्यक्ष काशीराम दिवाकर, पूर्व विधायक जगपाल सिंह, ब्लॉक प्रमुख शहबाद सुरेश बाबू गुप्ता, नगर अध्यक्ष शहबाद मुकेश चंद्र गुप्ता, जिला मंत्री महेश गुप्ता अध्यक्ष तहसील शहबाद के साथ साथ व्यापारियों में ताहिर खान, मुकेश शर्मा, मुकेश ठाकुर, राजू खान, कुलदीप भटनागर, महबूब मियां, सुधीर भटनागर, सलीम मियां, माहिर अली, गंगा सरन आदि अनेकों व्यापारी मौजूद रहे। यहाँ पर जितना भी तेल नंबर दो का बिकता है वो नंबर एक में जाता है, पहली बात ये है। जैसे जहाँ पर कोई भी तेल लेगा वो नंबर दो में फर्स्ट परचेज पर टैक्स है। वो छोटे व्यापारी किसान से लेकर और वो हमारे यहाँ बेचते हैं, हम उसका टैक्स जमा करते हैं, तो बेसिक चोरी नहीं है। वो बीच का कमीशन लेके एक दो रुपये के पीछे काम करते हैं। अब सेल टैक्स में कोई उसका विरोधी होता है, कोई बराबर का दुकानदार होता है, वो लिखित शिकायत कर देता, जैसे घर का भेदी लंका ढाए तो वो शिकायत कर देता, उस पर जो है वो छापा पड़ जाता। अब जब छापा पड़ता है तो 5-6 जनों की टीम होती है, उसे उल्टा सीधा उसे बस्ता बांध के लिख के पढ़ के उसे भेज देते हैं, वो उसकी पैरवी नहीं कर पाते। जब उसकी पैरवी नहीं होती उस पर टैक्स जमा हो जाता, टैक्स लग जाता, और टैक्स जमा तो ये तो केस लड़ाए हम पर, कोई छापा पड़ता हम केस लड़ाते हैं और आखिर तक केस लड़ाते हैं, हाईकोर्ट तक से जीत के आए। नहीं, अब वर्तमान परिस्थिति में आप उन चार व्यापारियों का क्या सहयोग करेंगे? नहीं, जो कोई कानूनी मदद होगी, मैं पांच जने हैं उनसे जो कानूनी मदद होगी। 3 साल से उनका वकील उनको लगातार परेशान कर रहा है। मेरे से बात होने दो। ऐसा है कि हम उन्हें कानूनी मदद मुफ्त में दिलवाएंगे। पहली चीज, पहला विषय यह है कि हमसे व्यापार मंडल से कोई आदमी वकील पैसा नहीं लेता। पहली बात आप ये समझिए, हम किसी वकील को कोई पैसा नहीं देते हैं, ना हमसे कोई लेता है। हम उसका और तरीके से फायदा कराते हैं और वो हमारे लिए तत्पर रहते हैं और काम करने के लिए आपका 10,000 में जो काम होगा मुफ्त में करा देंगे। वो लोग अब हमसे 50,000 रुपए दे चुके, वो लोग वो कहीं भी दे चुके, वो तो गलत जगह वकीलों को गलत दे चुके। वो हमारे से बात करें, वो हमारे से बात करें और हम व्यापार मंडल जो है उसका पूरा सहयोग करेगा। जो भी खर्चा होगा हम करेंगे, कानूनी राय देंगे, ऊपर जो कहने की बात होगी उसे कहेंगे किस स्टेज पे उनका केस चल रहा, ठीक है उसमें पूरी मदद करेंगे।